सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के साथ ही झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय नई दिल्ली में मौजूद हैं। उनकी मुलाकात कांग्रेस आलाकमान से हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सरकार में मंत्री पद में बदलाव को लेकर मंथन होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक कैश कांड के बाद झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। विशेष रूप से कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कैश कांड में पार्टी के 3 विधायक अभी जेल में हैं। पार्टी के प्रभारी ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के फेरबदल के इशारे पहले ही कर दिए हैं। इससे पार्टी में मंत्री पद के बदलाव के बाद फूट पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है। पार्टी कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों में से 2 या 3 को बदलने के मूड में है। ऐसे में इनकी जगह 2 या 3 विधायकों को मंत्री बनने का अवसर मिल सकेगा। इस सूरत में जो विधायक मंत्री नहीं बन सकेंगे या फिर जिन्हें मंत्री पद से हटना पड़ेगा, उनमें असंतोष पनपेगा। इस बीच शिल्पी नेहा तिर्की को भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा भी चल रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग की गई थी। कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। वहीं कैश कांड में भी कई अन्य विधायकों के भी शामिल होने की बात भी सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में इस समय कांग्रेस कोटा से जो मंत्री हैं, उनमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हैं। अब चर्चा इन 4 मंत्रियों में से 1 को छोड़कर 3 मंत्रियों को मंत्री पद से हटा दिए जाने की चल रही है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से भी हरी झंडी मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि मीडिया में कांग्रेस की ओर से अभी तक इस संबंध में औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि 15 अगस्त तक मंत्रिमंडल का गठन फिर से कर दिया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।